सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइज, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सनी कुमार और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज की जो वीडियो है ये पूरी तरह से एक डेडिकेटेड वीडियो है विडाल टेस्ट के बारे में। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। टाइफाइड फीवर को कई लोग एंटेरिक फीवर या मोती झरा के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे विडाल टेस्ट को पढ़ सकते हैं, क्योंकि गाइस जो इसके टाइटर और जो इसकी रिपोर्ट है ये थोड़ी कंफ्यूजन भरी होती है और लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल वैल्यू नहीं दी होती, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव के साइन देखने को मिलते हैं। साथ ही गाइस, अगर आपको थोड़ी बहुत ही इन्फॉर्मेशन है विडाल टेस्ट के बारे में तो आपको एंटीबॉडीज़ और एंटीजन सुनने को मिला होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंटीबॉडीज़ और एंटीजन होता क्या है और इनका क्या रोल होता है विडाल टेस्ट के अंदर, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि जो विडाल टेस्ट है उसकी रीडिंग काफ़ी बारी फॉल्स देखने को भी मिलती है टाइफाइड फीवर के होने पर। क्योंकि गाइस देखिए, जो टाइफाइड फीवर में होने वाला जो ये विडाल टेस्ट है ये कई बारी मलेरिया में, डेंगू में या फिर अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी अदर इन्फेक्शन है तब भी आपको विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो अगर आप इस एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को समझ जाते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सारा कुछ जानने में कि एक्चुअली हमारे शरीर में इनका क्या रोल है और विडाल टेस्ट कैसे पॉजिटिव आता है। तो गाइस, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ और एंटीजन एक्चुअल होती क्या हैं, और बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो गाइस, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये हमारे वाइट ब्लड सेल का ही एक कंपोनेंट होती हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो वाइट ब्लड सेल हैं ये हमारे शरीर के सैनिक होते हैं, मतलब कि फाइटर सेल होते हैं, और ये CBC की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था। तो ये हमारे शरीर के जो फाइटर सेल हैं लिम्फोसाइट, उन्हीं का एक कंपोनेंट होता है एंटीबॉडीज़। और जो एंटीजन है गाइस, ये हमारे शरीर के फॉरेन मटेरियल होते हैं, मतलब कि हमारे शरीर में जो भी बाहर से कोई चीज़ आती है जो शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, मतलब कि चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, किसी भी तरह का कोई भी सब्सटेंस आता है तो वो हमारे शरीर के लिए अगर घातक होता है तो आप उसे एंटीजन कह सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर क्या होता है कि जो एंटीजन है इसके शरीर पर आने पर जोन से भी फाइटर सेल एक्टिव होते हैं उन्हें एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। ओके, यहाँ पर आप सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ तो जो एंटीबॉडीज़ हैं ये हमारे शरीर के फाइटर सेल हैं जो कि हमारे शरीर को किसी भी फॉरेन मटेरियल से बचाते हैं। और वहीं पर अगर एंटीजन की बात करें तो गाइज़, ये हमारे शरीर का कोई भी फॉरेन मटेरियल होता है जो कि बाहर से हमारे शरीर के अंदर आता है और इनके आने पर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। तो गाइस, जो विडाल टेस्ट है ये एंटीबॉडीज और एंटीजन के ऊपर ही पूरी तरह से बेस है। जो विडाल टेस्ट है इसके अंदर आपको चार तरह के एंटीजन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो गाइस, जो पहले नंबर पर आपको एंटीजन देखने को मिलता है वो है TO, दूसरे पर है TH, तीसरे पे है AH, और जो फोर्थ है वो है हमारा BH। तो गाइस, ये जो है ये टाइटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इजीली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी अगर कोई भी पर्सन है वो डायग्नोज होता है या फिर उसको वो सस्पेक्टेड होता है टाइफाइड फीवर का, जो डॉक्टर उनको विडाल टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं, तो गाइस जो एंटीबॉडीज़ हैं विडाल टेस्ट से जो फाइटर सेल लड़ते हैं ना, इनको कम से कम 7 दिन लगते हैं एक्टिव होने के लिए। इसीलिए यूजली ये टेस्ट है ना, ये कम से कम 7 दिन के बाद अगर आप करवाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिलते हैं कि आपको इसकी
ट्रू रीडिंग मिलती है, लेकिन अगर आप जो फीवर है उसके पहले दूसरे या तीसरे दिन अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको फॉल्स रीडिंग देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप पहले करवा लेते हैं तो आपको दोबारा ये रिपीट करवाना पड़ता है कंफर्म करने के लिए कि आपको टाइफाइड फीवर हुआ है या नहीं। तो गाइज यहाँ पर मेरे पास एक पेशेंट की रिपोर्ट है और डायरेक्ट ही मैं आपको उस रिपोर्ट को दिखाता हूँ और आपको सिखाता हूँ कि आपने टाइफाइड फीवर की रिपोर्ट को कैसे देखना होता है। गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं ये विडाल टेस्ट की एक रिपोर्ट है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको एंटीजन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एंटीजन की लिस्ट है, देखिए चार तरह के एंटीजन दिखाए गए हैं, टी ओ, टी एच, ए एच और बी एच। तो गाइज़ यहाँ पर जो टी ओ है ये ओ सोमैटिक एंटीजन ऑफ सेल्मोनेला टाइफी को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर जो ये एच है टी एच का, ये एच फ्लैजुलर एंटीजन ऑफ सेल्मोनेला टाइफी को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर जो ये ए एच है गाइज ये फ्लैजुलर एंटीजन ऑफ सेल्मोनेला पैराटाइफी को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर ये जो बी एच है गाइज ये फ्लैजुलर एंटीजन ऑफ सेल्मोनेला पैराटाइफी को रिप्रेजेंट करता है। तो गाइज ये एंटीजन हैं, मतलब क्या है कि ये जो टी ओ, टी एच, ए एच और बी एच है ये फॉरेन मटेरियल का एंटीजन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आपका जिसको लगता है कि जिसको सिम्टम्स साइनो सिम्टम्स दिखते हैं तो डॉक्टर उनका टेस्ट करवाते हैं विडाल टेस्ट, तो जो भी लैब टेक्नीशियन है वो आपका ब्लड लेता है, मतलब कि किसी पेशेंट का लेता है, तो एक स्लाइड होती है, ठीक है, यहाँ पर ऐसी स्लाइड होती है एक, वहाँ पर क्या किया जाता है कि पेशेंट की चार बूंदें गिराई जाती हैं स्लाइड के ऊपर, ठीक है, और वहाँ पर स्लाइड के अंदर सीरम तो होता ही है, एंटीबॉडीज़, मतलब कि एंटीबॉडीज़ तो होती हैं ब्लड के अंदर उस ड्रॉप के अंदर, ठीक है, एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी पेशेंट की होती हैं। तो एंटीबॉडीज़ क्या हैं कि अगर आप एक हफ्ते के बाद टेस्ट करवाते हैं तो वो एंटीबॉडी ब्लड में एक्टिव होती हैं, क्लियर। तो अब एंटीबॉडी ब्लड में हमारे है और जो लैब टेक्नीशियन है उसने ये ब्लड की एक एक ड्रॉप गिराई है, तो जो लैब टेक्नीशियन है ना उसके पास एंटीजन है, यहाँ पर चार तरह का एंटीजन उनके पास होता है, टी ओ, टी एच, ए एच और बी एच, तो वो एंटीजन की एक एक ड्रॉप इन अलग अलग ड्रॉप्स पर गिराता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर ड्रॉप गिराने के बाद वो देखता है कि किसके साथ एंटीजन ने रिएक्ट किया है, मतलब कि क्या होता है कि जब ये गिरता है तो ये जो ब्लड है ना ये फट जाता है, जितना ज़्यादा फटेगा, मतलब कि फटता नहीं है कि जो एंटीबॉडीज है ना वो एंटीजन को खा जाते हैं, तो डिसिपियर हो जाता है ब्लड का जो क्लॉट सिस्टम होता है ना वो पूरा का पूरा डिसिपियर हो जाता है, पूरा ब्लड ऐसे लगता है जैसे चाय होती है, चाय फटी हुई होती है ना वैसे फट जाता है ब्लड, ठीक है। तो वहाँ से जो लैब टेक्नीशियन है उसको देखता है और फिर आपको जो इसके अनुपात दिए हुए हैं, मतलब टाइटर वॉल्यूम, जो इसकी टाइटर वैल्यू दी हुई है ना वो आपको बताई जाती है, जैसे 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, वट एवर जो भी आगे की वैल्यू है 640 तक। तो गाइज यहाँ पर देखिए कितना पॉजिटिव होता है और इसका टी ओ, टी एच का मतलब क्या होता है पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। तो गाइस देखिए जो टी ओ है और टी एच है ये सेल्मोनेला टाइफी का ही एक पार्ट होता है, सेल्मोनेला टाइफी इसको बोला जाता है, ठीक है, और ये जो ए एच है और ये जो बी एच है ये सेल्मोनेला पैराटाइफी होता है। अगर आपको ये पॉजिटिव आते हैं ना, यहाँ तक ये पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको पैराटाइफाइड है, और अगर आपको ये ऊपर वाले दो पॉजिटिव आ रहे हैं, ये देखिए ये अगर ऊपर वाले आपको पॉजिटिव आ रहे हैं तो आपको टाइफाइड फीवर है, अगर आपको ये नीचे वाले पॉजिटिव भी आ रहे हैं तो आपको पैराटाइफी है, ओके क्लियर। तो यहाँ पर गाइज इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, देखिए कम से कम थोड़ा बहुत टाइफाइड तो हर नॉर्मल बंदे में होता ही है 40 तक, लेकिन अगर आपको वैल्यू यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर प्लस दिखाया गया है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर अगर 80 तक आपको प्लस आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको 160 पॉजिटिव आता है एक हफ्ते के बाद तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि गाइज आपको टाइफाइड फीवर हो सकता है।
और 320 पर तो ये पक्का ही कंफर्म हो जाता है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा एंटीबॉडीज़ का एंटीजन के साथ में, उतने ही ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, उतना ज़्यादा इंडिकेट वो करेगा कि जो पेशेंट है उसको टाइफाइड फीवर हुआ है। तो यहाँ पर ये इसका एंटीजन है, ये पैराटाइफी का और ये टाइफाइड का, सेल्मोनेला टाइफी का, ओके। तो ये रिएक्शन बताती है कि आपको टाइफाइड फीवर हुआ है। और नॉर्मल कहाँ तक होता है, 1:80 तक होता है। फिर जितना जितना ये आगे जाएगा उतना उतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेट करता है। TO का मतलब है कि आपको रिसेंटली हुआ है, TH का मतलब है कि ये काफ़ी पुराना है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर अगर 160 होता है तो इसका नॉर्मल जो ट्रीटमेंट है ना, ये 7 डेज का होता है। 160 पॉजिटिव होने पर, 320 के होने पर इसका जो ट्रीटमेंट है वो 14 दिनों का हो जाता है। और अगर नीचे वाला भी पॉजिटिव है तो 21 डेज या 28 डेज का इसका ट्रीटमेंट होता है, वो डॉक्टर आपको बताएगा। यहाँ पर आपने बस ये कॉन्सेप्ट समझना है कि आपको रिपोर्ट कैसे देखनी है। तो बहुत ही ईजिली शब्दों में मैंने आपको समझाया है, और ऐसे आपने विडाल टेस्ट को देखना होता है, ओके गाइज। तो गाइज आज की हमारी वीडियो थी विडाल टेस्ट के ऊपर, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो गाइज ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और टॉपिक्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। गाइज मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।